हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस को आप देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के स्टडी सेंटर के बारे में। दैनिक जागरण अखबार में एक अपडेट आई है, जिस अपडेट की माने तो आप अपने स्टडी सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी हम दैनिक जागरण अखबार में हैं, नज़दीकी सेंटर में प्रशिक्षण ले सकेंगे DL.ED प्रशिक्षु। ये अपडेट आ रही है दैनिक जागरण अखबार में। और इस अपडेट में ये लिखा हुआ है कि जो शिक्षक है जिनका स्टडी सेंटर दूर है, आप सभी को एक फॉर्म भरना है और फॉर्म को सबमिट करना है और आप अपने स्टडी सेंटर को नज़दीक ला सकते हैं। यानी जिस नए स्टडी सेंटर पे आप अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस पूरे 2 साल के लिए, इसके लिए एक फॉर्म है जो आपकी वेबसाइट पर डाल दी गई है और इस फॉर्म को आप अपने स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। ये खबर जो है ये आ रही है हरिद्वार से, उत्तरांचल हरिद्वार से। और यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में भी बताया जा रहा है, जो वेबसाइट है rcddn.nius.ac.in। जैसे कि आप सभी को पता है कि NIUS की रीजनल सेंटर्स की भी अलग अलग वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट है रीजनल सेंटर देहरादून की। और इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आपको जाना है DL.ED इन्फॉर्मेशन में। DL.ED इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा DL.ED स्टडी सेंटर चेंज प्रोफॉर्मा। यहाँ पे एक फॉर्म है जो अपलोड किया गया है इस वेबसाइट के माध्यम से। इस फॉर्म को आप सभी को भरना है जो भी देहरादून के हैं, क्योंकि ये देहरादून के वेबसाइट पे ये फॉर्म है, ये सभी के लिए ये फॉर्म नहीं है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके पता करना होगा कि सर क्या हमें भी स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए कोई फॉर्म आई है या नहीं। फिलहाल ये अपडेट केवल देहरादून के लिए है, तो इस चीज़ को आप सब समझेंगे, क्योंकि आपकी जो नेशनल वेबसाइट है dlet.nius.ac.in, इस पे ऐसा कोई भी फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है। ये फॉर्म जो है ये रीजनल सेंटर देहरादून के वेबसाइट पे अपलोड हुई है। तो जितने भी शिक्षक देहरादून के हैं या उत्तराखंड के हैं, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर दूर दिया हुआ है तो आप सभी को करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है। आप अपने स्टडी सेंटर को क्यों चेंज करना चाहते हैं इसके बारे में आपको नीचे जानकारी देनी होगी। वर्तमान अध्ययन केंद्र यानी जो प्रेजेंट आपका स्टडी सेंटर है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। नवीन अध्ययन केंद्र यानी जिस स्टडी सेंटर में आप चाहते हैं कि आप आगे आने वाले क्लासेस में ट्रेनिंग लें, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। साथ ही साथ आपको अपना जनरल इन्फॉर्मेशन, नाम, पता, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, जनपद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, बाकी सब जानकारी देनी होगी। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे दी गई है इस फॉर्म के। यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा गया है कि अगर आप देहरादून के हैं तो आप इसे 31 मार्च 2018 तक भर सकते हैं, अगर इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। सेकंड है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉक में जो आपके घर से नज़दीक जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपका स्टडी सेंटर आ जाए, तो उस स्टडी सेंटर पे 100 से कम विद्यार्थी होने चाहिए। अगर वहाँ का सीट फुल होगा तो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके ब्लॉक में सीट नहीं होगी तो आपको दूसरे ब्लॉक में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये जो चेंजिंग का पूरा प्रोसेस है ये PCP को ख़त्म करने के बाद ही किया जाएगा। PCP जब हो जाएगा तो आपका SBA होगा, फिर WBA होगा, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, उन सभी के लिए आपको स्टडी सेंटर को चेंज कर दिया जाएगा। और आप तभी इस फॉर्म को भरे जब आप एकदम, आपको चाहिए कि नहीं मेरा स्टडी सेंटर नज़दीक हो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है केवल विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ही आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये काफ़ी कम चांसेस होंगे कि आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाए। फिर भी आपको कोशिश करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा की पढ़ाई करें, DL.ED की आप ट्रेनिंग करें, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी देहरादून के हैं, उत्तरांचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस खबर को शेयर भी कर देंगे ताकि जो अन्य शिक्षक हैं देहरादून के उन तक ये खबर पहुँच जाए। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बगल की बेल की बटन को प्रेस कर दें और अपने चैनल पे वीडियोस को देखते रहें। आप सभी के स्वयं पे टेस्ट फिलहाल चल रहे हैं, आप सभी के चैनल पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वीडियोस आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अपने चैनल से बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव इंडिया।